हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो अपना एक्सरसाइज है ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारा पाम रूल जो वाला जो टेक्निक है उसको भी आप यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डॉट कॉस 30 प्लस साइन 30 डॉट कॉस 60 की वैल्यू निकाल ली है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू। कॉस 30 की वैल्यू होती है वन रूट थ्री अपॉन टू। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन टू। कॉस 60 की वैल्यू होती है वन अपॉन टू। यहाँ पे आता है थ्री अपॉन फोर प्लस यहाँ पे आएगा वन अपॉन फोर। आंसर इज फोर अपॉन फोर जो कि होता है वन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है कि टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है अगेन रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर। ये और ये यहाँ पे कैंसिल, आंसर इज टू। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग को बोला हुआ है कि कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टू। यहाँ पे आता है 1 अपॉन क्या बोला हुआ है सेक 30। सेक 30 का मतलब होता है 2 अपॉन रूट थ्री प्लस कॉसेक 30। कॉसेक 30 मतलब कितना हो गया साइन 30 का उल्टा जो कि होगा 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 1 अपॉन रूट टू। यहाँ पे आता है 2 प्लस 2 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। सो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है रूट थ्री और यहाँ पे आता है टू वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट टू। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। बट अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, मैं यहीं पे इसको छोड़ देता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। फोर्थ जो है वो यही है। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन टू, ये होता है वन। यहाँ पे आता है कॉसेक 60। कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, तो यहाँ आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू, लेकिन टू अपॉन रूट थ्री आपको लिखना है क्योंकि आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा कितना सेक 30। सेक 30 का मतलब कितना हो गया कॉस 30 का उल्टा जो कि होता है टू अपॉन रूट थ्री। टू अपॉन रूट थ्री प्लस कॉस 60 का मतलब है वन अपॉन टू और कॉट 45 का मतलब है वन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा रूट थ्री माइनस प्लस टू रूट थ्री माइनस टू टू जा फोर अपॉन टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा टू टू जा फोर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री। ये और ये कैंसिल। यहाँ पे आता है थ्री और वन फोर, फोर रूट थ्री माइनस फोर और यहाँ पे आ जाएगा कितना आ गया थ्री। ओके ओके ओके, यहाँ पे थ्री रूट थ्री माइनस फोर है और यहाँ पे आ जाएगा फोर प्लस थ्री रूट थ्री। अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज अगर आप करते हो तो ये आता है थ्री रूट थ्री माइनस फोर दोनों का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आता है थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा थ्री थ्री या नाइन थ्री या 27, 27 माइनस 16। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो थ्री रूट थ्री माइनस फोर का स्क्वायर माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 11। तो ये आपका आता है फोर्थ। सिमिलरली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके फिफ्थ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, ये बोलता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे कि रेड पेन से करता हूँ कि टू टेन 30 मतलब 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट थ्री। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर 1 बाई थ्री होता है। सो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आता है 2 अपॉन रूट थ्री और नीचे आ जाएगा 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 4 बाई थ्री। सो ये आ जाएगा 3 टू जा 6 यहाँ पे आता है 4 रूट थ्री। सो ये आएगा 2 यहाँ पे 3 रूट थ्री से ये कैंसिल यहाँ पे आता है रूट थ्री। आंसर इज रूट थ्री अपॉन टू और रूट थ्री अपॉन टू किसकी वैल्यू है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है
बिल्कुल रूट थ्री अपॉन टू होता है। सो ए होगा कॉस 60 तो 1 बाई टू होता है, ये नहीं हो सकता है, टेन के टेन 60 रूट थ्री होता है और साइन 30 होता है 1 अपॉन टू, तो राइट ऑप्शन कौन सा है ए। सेकेंड सेकेंड मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू, टेन 45 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर ये 0 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 का मतलब 0 होता है, सो ये होता है डी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट है यहाँ पे कि क्या बोला हुआ है कि साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन व्हेन a इज हाउ मच। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि साइन 0 कितना होता है, 0, यहाँ पे भी कितना 0, तो ये तो मैच कर रहा है तो इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ, देखते हैं बाकी क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा है कि साइन ए की वैल्यू 30 पुट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60, साइन 60 का मतलब होता है रूट 3 बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 इसका मतलब होता है 1 बाई टू, तो 2 बाई टू दैट इज 1, तो दोनों मैच नहीं करेंगे, सारी वैल्यूज मैच नहीं करेगी, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है दिया हुआ 2, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 माइनस 1 अपॉन 3, सो ये आएगा 2 अपॉन रूट 3, यहाँ पे आता है 3 माइनस 1 जो कि है 2 अपॉन 3, 2 2 कैंसिल अल्टरनेट पोजिशन पे थे, सो यहाँ पे 3 अपॉन रूट 3 इसका मतलब होता है रूट 3, रूट 3 का मतलब हो गया tan 60, सो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और a और b जो है वो 90 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, देन आपको बताना है कि a और b क्या होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है रूट 3, रूट 3 का मतलब कितना होता है, अगर हमने बोला है कि tan के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री, tan 60 मतलब होता है रूट 3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया tan a प्लस बी एंड यहाँ से आता है आपके पास कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया फर्स्ट। नाउ दूसरी बार में आपने लिखा कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, और आप यहां से इक्वेट करके बता सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री, ये हो गया अपना सेकेंड। उसके बाद आप दोनों को सॉल्व करना आपको आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, सो यहां पे आ जाएगा ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू होता है 90, सो नाउ a इज इक्वल टू हो जाएगा 45, सो a की वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो b भी आपको मिल जाएगा, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू होगा 15, a और b यहाँ से आपको मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोलता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बोलता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन b, ना ऐसा नहीं होता है। दूसरा है कि साइन मतलब ये हो गया फॉल्स। दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यस तो बोलेंगे ट्रू। उसके बाद है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स, क्योंकि पता है आपको कि साइन जीरो पे मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे आप 90 की तरफ जाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं ये भी बात फॉल्स है, केवल 45 पे ये दोनों इक्वल होते हैं। अगला है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो, ये है ट्रू। ओके, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू।